सुबह के बजे लगभग 8:40 हुए हैं एंड अभी हम लोगों ने हमारा जो जर्नी वो स्टार्ट किया है। हम लोग जा रहे हैं अभी हरिद्वार, सो दिल्ली होके जाना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर नोएडा की ओर से जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी हम लोग जाएंगे अपना यमुना एक्सप्रेस हाईवे से, हम लोगों को आगे जाके यमुना एक्सप्रेस हाईवे लगा। एक्चुअली हम लोग रात को ही निकलने वाले थे, बट रात को हम लोगों ने एक जगह पे स्टे कर लिया हाईवे पे होटल पे एंड देन अभी सुबह हमारा जर्नी जो है स्टार्ट किया। तो चलते भी यहाँ से, हम लोगों को टोटल जाना है 6 घंटे का रास्ता है और लगभग 450 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। सो हम लोग निकल चुके, चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। एंड ये भी फाइनली अभी हम लोग अपना जो ये यमुना एक्सप्रेस वे पे लग रहे हैं। ये देखो मस्त रोड दिख रहा है भाई, मेरे क्या ख्वाहिश थी बहुत दिनों से एक्सप्रेस वे पे आने की, ये वाले स्पेशली, बिकॉज काफ़ी सुना था काफ़ी मस्त हाईवे ऐसा, बट मेरी इच्छा है कि भाई यहाँ पे मैं बाइक ले जाऊँ, क्योंकि ये एक ही एक्सप्रेस वे है जिसपे बाइक अलाउड है पूरे इंडिया में। तो मेरी इच्छा यही है, तो मैं फ्यूचर में कभी बाइक लेके इस वाले रास्ते पे ज़रूर आऊँगा। बट चलो कोई बात नहीं, इस बार कार पे है तो अभी कार पे मज़े लेते हैं। आप लोग थोड़े सिनेमैटिक एंजॉय करो, देन उसके बाद सीधा आप लोगों को आगे ही मिलता हूँ मैं। ना रह सकूंगा मैं दूर इनसे, है मेरी जन्नत गलियां तेरी, उम्मीद ये सीने में लेके मैं हूँ जी रहा, कभी तू मिले मुझसे कहे के मैं हूँ बस तेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा, तू ही मेरा। माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं। नोएडा के बाद दूसरा जो एक हाईवे ईस्टर पेरिफेरल हाईवे करके, उस वाले हाईवे पे लगे, वो भी वैसे ही हाईवे जैसे भी हम लोग आए थे उसी टाइप का हाईवे। देखो मस्त हाईवे है भाई, ये भी ये वाला भी मस्त है। अभी यहाँ से हम लोगों को और जाना पड़ेगा 216 किलोमीटर, चलते। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, सो जैसे मैप बता रहा है वैसे हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस साइड, मस्त लग रहा है अभी ये तो। बट हम लोगों को ना प्रॉपर दिल्ली के अंदर रुकना है, थोड़ा दिल्ली को भी मतलब एक्सप्लोर करना है, बट हम लोग आते टाइम करेंगे। अभी जाना है भाई आगे, वो सारी चीज़ देख के आएंगे आगे का, देन उसके बाद जब रिटर्न जर्नी होगा, रिटर्न जर्नी में हम लोग दिल्ली में रुकेंगे एंड वो भी आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि नए वीडियो के अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहे। चलते अभी यहाँ से हम लोगों को और 226 किलोमीटर जाना है और उसके लिए लगभग 4 घंटा बोला है मुझे, चलते हैं आगे। पैर तेरे हो रख लूं मैं तन पे जख्म। अभी बजे 12 और अभी हम लोगों ने लिया एक स्टॉप, बिकॉज खाना खाना पड़ेगा यार अभी भूख लगी है, क्योंकि हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो यहाँ पर आए हम लोग, ये फूड कोर्ट यहाँ पे सारा मिल जाएगा, मतलब हल्दीराम का भी रेस्टोरेंट है, मम्मी पापा के लिए काम आ जाएगा, मेरे लिए मैकडी भी है इधर। सो देखते हैं वहाँ पे जाके डिसाइड करता हूँ भाई क्या खाना है। मेरे को ना आज पिज़्ज़ा खाने का मन था, बट यहाँ पे कोई भी पिज़्ज़ा का स्टोर नहीं है, जैसे डोमिनोज या फिर कोई भी पिज़्ज़ा या दूसरा कोई नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, अंदर जाते हैं एंड देखते हैं। सो मम्मी ने लिया है डोसा, पापा ने ली थाली एंड मेरा आ रहा है पिज़्ज़ा। क्या आ गया अपना वाला पिज़्ज़ा एंड दिस इज झींगी पार्सल। ये फाइनली खाना वाना हो गया हम लोगों का, अभी निकलते यहाँ से। यहाँ से ऑलमोस्ट अभी हम लोगों को और 200 किलोमीटर नहीं 150 के लगभग जाना है, तो चलते भी निकलते। बस कुछ नहीं, अभी सीधा हम लोग हरिद्वार जाएंगे एंड सीधा वहीं पर पहले रूम पे जाएंगे, देन डिसाइड करते कि कहाँ पे जाना है। तो गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट 2 बजने में है और ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो एक जगह पर हम लोगों ने रुक लिया था एंड मस्त छाँव थी वहाँ पे, पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई थी मैंने एंड मैं थोड़ा टाइम मतलब तो भी 20-25 मिनट में सो गया था मस्त। अभी अच्छा लगा एंड अभी उठ के हम लोगों ने जो जर्नी है वो स्टार्ट किया है। बस अभी का तो यही सीन है और जैसे अभी हम लोग हरिद्वार में पहुंचते हैं ना, सीधा उसी के बाद ही मिलता हूँ आप लोगों को। ओ मेरी सुबह भी तू ही ओए,
ते तू यो शामे इस जुबान ते इक ही ना तेरा नाम है ओ मेरी सुबह भी तू यो शाम है इस जुबान ते इक ही ना तेरा नाम है कठपुतली तेरी मैं जिवे मर्जी खेड़ लवी तेरे लिए लड़ जू रब नाल आजमा के देख ले। फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार में। यहाँ पे मुझे काफी मस्त होटल मिला है booking.com से एंड काफी कम रेट में मुझे काफी अच्छी प्रॉपर्टी मिली है। मुझे सिर्फ ये वाला होटल 800 रुपीज में मिला है और रूम अगर दिखाऊंगा ना तो आप भी यार चौंक जाओगे कि भाई क्या ही मिला है, इतना मस्त प्रॉपर्टी मिला है। जो रूम है मैं आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा, अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, आज तो कहीं गए नहीं हम लोग, तो बस अभी इस वाले ब्लॉग को तो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। हसदा ये तो मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा माहिया तू वादा कर।